दोस्तों MPTET यानी कि वर्ग एक और वर्ग दो की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए अपडेट आ चुका है और ये अपडेट आ चुका है न्यूज़पेपर्स में और अलग 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 व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे और वो लोग ये पूछ रहे थे कि ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है या हो गई है या नहीं हुई है। हालांकि अपडेट दिया गया है 10 जनवरी इसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये कब से शुरू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी से स्टार्ट होना है और कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको लेकर भी मैं अपडेट आपको इसमें देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है आपके लिए, स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये जो हमारी वेबसाइट है इस पर भी आपको जानकारी मिलती है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आपको पहले अपडेट मिल जाता है सबसे पहले, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑथेंटिक पोर्टल कौन सा है, ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूँ कि TRC पोर्टल यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग जो कि MP ऑनलाइन द्वारा मैनेज किया जाता है वो पोर्टल ये ऑथेंटिक पोर्टल है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, किस प्रकार की नियोजन की प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया रहेगी वो पंजीयन की रहेगी, यानी कि आपको अपने रोल नंबर, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो OTP है उसके माध्यम से अपना आपको पंजीयन कराना होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कराने होंगे और इसके बाद आपको प्रोफाइल लॉगिन करना होगा। इसके बाद जो है जो भी आपने जानकारी फॉर्म में दी थी उस अनुसार या फिर नई जानकारी आप देना चाहते हैं तो वो इसमें भर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होगी और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये विषयवार होगी, यानी कि विषय अनुसार आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और स्कूलों की जो प्राथमिकता है उसका आपको क्रम दर्ज यहाँ पर करना होगा और इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही रहेगा, दरअसल UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो प्रोसेस वहाँ पर रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है उसका प्रदर्शन रहेगा और इसके बाद आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का और रिपोर्टिंग का प्रोसेस रहेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी और प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद अगर रिक्तियाँ बचती हैं तो आपकी जो है सेकेंड काउंसलिंग यहाँ पर होगी। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के और जवाब देता हूँ कि पहली चीज़ यहाँ पर ये थी कि सर ऑथेंटिक पोर्टल, तो ऑथेंटिक पोर्टल TRC पोर्टल है इसमें और ये कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो ये देखिए ये स्पेशली यहाँ पर कहाँ गए, उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी 2020 से ये उपलब्ध रहेगा TRC पोर्टल पर। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, guruji official.com पर ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पर आपका अलग से एक पेज बनाया गया है स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत ना पड़े। तो इस पर जो शिक्षक नियोजन पोर्टल की लिंक दी गई है ये वही लिंक है और ये सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी गई थी जहाँ से ये काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़नी है। तो ये देखिए ये शिक्षक नियोजन पोर्टल जो है ये वही लिंक है जहाँ से ये प्रोसेस पूरी बढ़ेगी। तो इस पर आप जाके सारी जानकारी देख सकते हैं। 10 जनवरी से जैसे ये प्रक्रिया शुरू होगी आपको सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और जो है ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।